बॉलिंग। आज हम एलिमिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बॉल एलिमिनेशन। बॉल एलिमिनेशन की सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके बाद कॉज मैनेजमेंट एंड एम्बुलेशन ऑफ पेशेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन के अंदर आएगा एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट का एक्सपल्सन, वेस्ट को बाहर निकालना बॉल एलिमिनेशन कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आएगा कि डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या होगा? नॉर्मल एक्ट ऑफ पासिंग द स्टूल। नॉर्मली जो डेली रूटीन में अपन जो एक्ट होता है स्टूल को पास करने का, उसको अपन डिफिकेशन बोलते हैं। इसकी जो नॉर्मल अमाउंट होगी वो 200 ग्राम होगी और मैक्सिमम अमाउंट होगी 300 ग्राम। सबसे पहले उसके बाद सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो आएगी स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग हो जाएगा फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ स्टूल। स्टूल को फोर्सफुली एक्सपल्सन करना स्ट्रेनिंग कहलाता है। लाइक कॉन्स्टिपेशन के अंदर पेशेंट में ये प्रॉब्लम रहती है, फोर्सफुल एक्सपल्सन करना पड़ता है। यूज फॉर स्टूल सैंपल कलेक्शन टू डिटेक्ट पैरासाइट ग्रोथ। इसके लिए सैंपल को कलेक्ट करेंगे, किसके लिए? पैरासाइट ग्रोथ को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आएगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो आएगा इनएबिलिटी टू पास आउट द स्टूल ड्यू टू लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, वो स्टूल को पास आउट नहीं कर पाएगा। देन नेक्स्ट आएगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन होगा डिफिकल्टी इन पासिंग द स्टूल। स्टूल को पास करने में डिफिकल्टी होना, स्टूल को पास करने में डिफिकल्टी होना ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फीकल मैटर। फीकल मैटर की हार्डनेस की वजह से स्टूल को पास आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद ये तो होती है टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के भी टाइप्स होते हैं। पहला आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पास्टिक एंड हाइड्रोजेनिक और साइकोलॉजिकल। उसके बाद सबसे पहले आएगा प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर आएगा कि जो न्यूट्रिशनल कॉज है, जो खाने पीने की वजह से जो प्रॉब्लम्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, उसे अपन प्राइमरी के अंदर काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे कि लो फाइबर डाइट अपन ले रहे हैं या लो इनटेक ऑफ वाटर या पानी कम पी रहे हैं। तो सेकेंड आएगा सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन आएगा ड्यू टू डिजीज कंडीशन। पेशेंट को अगर किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो सेकेंडरी के अंदर अपन काउंट करेंगे। नेक्स्ट आएगा स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। स्पास्टिक आएगा ड्यू टू स्पास्म इन इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल की जो स्पास्म हो जाती है, जकड़न हो जाती है इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, तो उसे अपन स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजेनिक। हाइड्रोजेनिक जो होगा वो किसी भी अननोन कॉज की वजह से हो सकता है, जैसे ड्यू टू ड्रग प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के द्वारा ड्रग प्रिस्क्राइब करके अगर वो पेशेंट है, वो कंटिन्यू हो रहा है, ले रहा है, तो उसे उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोडीन की ड्रग है, उसे अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स आएगी। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा साइकोलॉजिकल कॉजेस भी हो सकते हैं। किसी भी पेशेंट है अगर मेंटली स्ट्रेस कंडीशन में है या साइकोलॉजिकल कोई कॉज है उसको अदर, तो स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट इसके जो कॉज होते हैं वो क्या क्या होते हैं? एक तो लाइफ स्टाइल को चेंज कर देता है, दूसरा कर देता है हैबिट्स को चेंज कर देता है नॉर्मल रूटीन को। उसके बाद लैक ऑफ प्राइवेसी, इसके अंदर अगर प्राइवेसी की कमी है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट अपन आएंगे टॉपिक पे मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट जो करेंगे वो आएगा सबसे पहले असेसमेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए अपन असेसमेंट करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे बाउल साउंड को। बाउल साउंड को चेक करेंगे, इसमें हाइपर एक्टिव बाउल साउंड आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो हाइपर एक्टिव बाउल साउंड आएगी। जैसे कि उसमें सबसे पहले अपन असेसमेंट करेंगे तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, देन प्रोवाइड करेंगे उसको एक तो हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करेंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम से रिलीफ कर सके। उसके बाद उसको सेकेंड जो आएगी वो आएगी जैसे प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आएगा कि प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोजिशन। अप्रोप्रिएट पोजिशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे स्क्वाटिंग पोजिशन आएगी। इसके एडवांटेज क्या 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 है ये सारी चीज़ों के, कि ये क्या करती है? हेल्प करती है पास ऑफ द स्टूल एंड इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करेगी और स्टूल को पास आउट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट आता है वो आता है एम्बुलेशन ऑफ पेशेंट। एम्बुलेशन टू द पेशेंट, पेशेंट की एम्बुलेशन करवाना, यानी कि अगर पेशेंट है वो एम्बुलेशन करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्रोवाइड करेंगे उसको नीचे पोजिशन। अगर पेशेंट चलने फिरने में अगर उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं कर पा रहा है, तो अपन उसको नीचे पोजिशन प्रोवाइड करेंगे ताकि कॉन्स्टिपेशन से रिलीव कर सके। नेक्स्ट आएगा क्रीड मैन्यूवर। क्रीड मैन्यूवर में आएगा एब्डोमिनल मसाज करेंगे अगर, तो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऊपर से नीचे की साइड डायरेक्शन में अपन उसको क्रीड मैन्यूवर यानी कि मसाज देंगे,
जिससे भी कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हो सकता है। नेक्स्ट आएगा वो आएगा वल्सेलम मैन्यूवर। जो वल्सेलम मैन्यूवर है वो फोर्सफुल इंसर्शन ऑफ फिंगर इन रेक्टम, रेक्टम के अंदर इंसर्ट करेंगे फिंगर को फोर्सफुली, इसको अपन वल्सेलम मैन्यूवर बोलते हैं। इसका नोट क्या होगा कि फिंगर को इंसर्ट करेंगे रेक्टम में इस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कार्डियक पेशेंट। अगर कार्डियक पेशेंट है तो उसके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब ये करना अलाउ नहीं है। और उसके बाद बिकॉज ये क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है वेगस नर्व। अगर कार्डियक पेशेंट के अंदर अपन फोर्सफुली रेक्टम के अंदर फिंगर को इंसर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देगा और वो रिस्क कट जाएगा, ब्रेडी कट जाएगा। थैंक यू।